नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक रेडमी का हैंडसेट है रिटेल। इसका ये जो डिस्प्ले है ये क्रैक हो गया है। तो कभी मोबाइल का डिस्प्ले टूट जाए तो उसे कैसे बदले जाता है, कैसे रिपेयर किया जाता है, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। अगर आप कोई टेक्नीशियन नहीं हो या अभी मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख रहे हो तो आपको इस वीडियो से एक हेल्प मिलेगी कि कैसे मोबाइल का डिस्प्ले जो है वो बदला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें इस मोबाइल का डिस्प्ले बदलने के लिए इसे खोलना पड़ेगा। तो इसे खोलने के लिए सबसे पहले इसका सिम ट्रे रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पीछे से बैक पैनल निकलता है। तो ये हमने इसका सिम ट्रे निकाल लिया और नाखून की मदद से हम इसके बैक पैनल को खोलेंगे। किसी ने शायद इसे फेविक्विक से चिपका दिया है इस बैक पैनल को। देखिए ये फेविक्विक से चिपकाया है किसी ने, ये हमने निकाल लिया है। तो अब हमें इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलना है। अब हम इसका बैटरी का बेल्ट रिमूव कर लेंगे। अब जो इसका डिस्प्ले है ये उसका बेल्ट है ये वाला। तो अब इस डिस्प्ले को इसका इसे मिडल बोलते हैं फ्रेम, तो इस फ्रेम से रिमूव करने के दो तरीके हैं। एक तो हम इसे सेपरेटर मशीन पर गर्म करके इसका जो ग्लू रहता है उसे ढीला होने के बाद इसे रिमूव कर सकते हैं आसानी से। और दूसरा तरीका ये है कि अगर हम सेपरेटर से इसे गर्म करके ना निकालना चाहें तो हम इसे खींच के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पहले से ही ब्रेक है। तो अगर ये निकालने में टूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये ऑलरेडी निकला हुआ है। अब हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो इसकी जो फ्रेम है, जो किनार है, ये अच्छे से क्लीन हो जानी चाहिए। इसके अंदर जो डस्ट या पुराना ग्लू लगा हुआ है ये अच्छे से क्लीन हो जाना चाहिए, ताकि हम इस पर जो दूसरा डिस्प्ले लगाएंगे वो उसकी जो पकड़ है इस फ्रेम से अच्छे से हो जाए, ताकि वो कभी गिरे पड़े तो बाहर ना निकल जाए। तो इसे साफ़ करने के लिए हम ट्वीज़र की मदद लेंगे। ट्वीज़र की मदद से इसके जो किनार है इसे ऐसे साफ कर सकते हैं। दूसरा वाला ट्यूजर का वो ट्यूजर का यहाँ पर किसी ने फेविक डाला है डिस्प्ले पे चिपकाने के लिए, तो ये थोड़ा हार्ड जा रहा है, पर आराम आराम से इसे हम क्लीन कर लेंगे। इसमें ट्वीज़र चलाते समय ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है ट्वीज़र पे, वरना ये जो इसकी फ्रेम की बॉर्डर है ये ब्रेक हो जाएगी।
उसका जो भी धूल है वो हम ब्रश की मदद से साफ कर लेंगे। देखिए हमने साफ कर लिया है, ये ज़्यादा बेहतर तरीके से साफ नहीं हो पाया है क्योंकि इसमें फेकिक लगा हुआ है, पर फिर भी हमने इसे ठीक ठाक तरीके से साफ कर लिया है कि दूसरा डिस्प्लेस पे बैठ जाए। अब मार्केट में ऐसे फोल्डर मिलते हैं जिसे कॉम्बो बोला जाता है, तो ये 100% ओरिजिनल तो नहीं होते पर फिर भी अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं। ये मॉडल वाइज हर अलग अलग मॉडल का अलग अलग कॉम्बो होता है, तो ये जैसे हमारा अभी रेडमी 8 है तो ये रेडमी 8 का कॉम्बो है। अब सबसे पहले हमें इसे फ्रेम में लगाकर चेक करना है कि इसका फिटिंग बराबर आ रहा है या नहीं, कहीं से उचक तो नहीं रहा है ये। तो ये देखिए ये सब जगह से बराबर आ रहा है या ऊपर से हल्का सा थोड़ा सा ऊंचा है, तो ये लो ये भी हो गया। तो ये फिटिंग तो ठीक आ रहा है, तो अब हम इसे फ्रेम में चिपकाने से पहले इसे चेक करेंगे कि ये वर्किंग है या नहीं। ये देखिए ये ऑन हो गया है, रेडमी नाम लिखा गया है। ये देखिए वर्किंग है, ये इसका टच पूरे अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि हर तरफ से चल रहा है या नहीं, और डिस्प्ले पर कोई लाइन वगैरह कोई पट्टा वगैरह तो नहीं आया हुआ है। टच हर जगह बराबर काम कर रही है और सब बराबर दिख रहा है डिस्प्ले में भी। ये देखिए ये डिस्प्ले बराबर अच्छे से वर्क कर रही है, अब हम इसे चिपका सकते हैं। तो चिपकाने के लिए हमें ग्लू की सहायता लेनी पड़ेगी। मार्केट में ऐसा ग्लू मिल जाता है जो कि 80 से 100 रुपए के बीच में मिल जाता है, अलग अलग कंपनी का आता है, ये सनशाइन का है और इसमें वाइट कलर का आता है और एक ब्लैक कलर का आता है, ये ब्लैक वाला है। सूखने के बाद ये रबर के जैसा हो जाता है, तो इसकी मदद से हम इसे चिपकाएंगे। इस पे जो सील आती है हम ब्रेक कर लेंगे। अब किसी किसी में इस पत्ते के नीचे ये चिपकाने के लिए टेप दी हुई रहती है और किसी किसी में नहीं दी रहती है, इसमें दी हुई है तो हम इसे चिपका लेंगे। ये हमने निकाली,
और इसे अलाइनमेंट करना है और बस ये चिपका दिया। अब ये रेडी है ग्लू लगा कर चिपकाने के लिए। तो आप दो तरीके से ग्लू लगा सकते हैं। पहला तो आप इसके जो फ्रेम के बॉर्डर्स है इनमें ग्लू लगा कर इसे चिपका सकते हैं। दूसरा आप इस पे नहीं लगाना चाहो तो इस डिस्प्ले के बॉर्डर पे ग्लू लगा कर भी इससे चिपका सकते हैं। अब आपको ग्लू लगाते समय दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर आता है जो कॉलिंग के दौरान हमारा डिस्प्ले ऑफ हो जाता है कान पर लगाने पे, तो वो सेंसर पे अगर ग्लू लग गया तो जैसे ही कॉल आएगा डिस्प्ले में कुछ भी रोशनी नहीं रहेगी, डिस्प्ले का लाइट चले जाएगा, तो उस सेंसर को हमें नहीं ढकना है। या किसी किसी में सेंसर यहाँ दिया रहता है, यहाँ दिया रहता है, इसमें यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर ग्लू नहीं लगाना है। और कैमरा को अच्छे से क्लीन कर लेना है, कैमरा को भी नहीं लगना चाहिए। हमने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है फ्रेम को अब ऊपर से भी, और इसका कैमरा वगैरह भी साफ कर लिया है। अब हम ग्लू लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक तो कैमरे का छेद है और बाजू में जो दो छेद दूसरे दिख रहे हैं ये प्रॉक्सिमेट्री सेंसर के हैं। जो कॉलिंग के दौरान हम फ़ोन को कान पर लगाकर बात करते तो डिस्प्ले हमारा ऑफ हो जाता है, इस सेंसर की मदद से ही वो ऑफ होता है। इस सेंसर के आगे कुछ भी चीज़ आती है तो डिस्प्ले हमारा ऑफ हो जाता है और जैसे ही हम हटा देते हैं तो ऑन हो जाता है। तो अगर यहाँ ग्लू लग गया तो बिना इसके सामने कोई चीज़ लाए भी हमारा डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा कॉलिंग के दौरान, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं तो डिस्प्ले पर ग्लू लगा कैसे चिपका हुआ, आप चाहो तो फ्रेम में भी लगा सकते हो। तो धीरे 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 ज़्यादा ग्लू भी नहीं लगाना है, एक ग्लू की एक लाइन छोटी सी चालू रहेगी। अब जब पत्ता पास में आ जाए तो इस पत्ते को ग्लू नहीं लगने देना है, या एकदम हल्का हल्का और कम से कम ग्लू लगाना है, क्योंकि अगर ये ग्लू इस पत्ते को लग जाता है तो ये इस पत्ते को टाइम पीरियड के हिसाब से धीरे 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 जला देगा, जिससे हमारा डिस्प्ले बिना टूटे फूटे भी ब्लैंक हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि हम इसके किनार पर एकदम धीरे 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 ग्लू लगाए। ग्लू लगाना ज़रूरी भी है वहाँ पे, अगर वहाँ से ये फ्रेम में नहीं चिपक पाएगा बराबर तो कैमरे के अंदर धूल आ जाएगी। हमने चिपका दिया, अब इसे फ्रेम में लगा देंगे। ये हमारे फ्रेम में बराबर आ गया है, इसका दबाएंगे तो जो भी एक्स्ट्रा ग्लू है वो ऊपर आ जाएगा, उसे क्लीन कर लेंगे। अब हम इसे पैक कर देंगे। ये हमने इसे पूरा पैक कर लिया है। इसमें यहाँ पर बटन नहीं है तो हमें बटन भी डालना पड़ेगा, तो मैं एक बार वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ बटन डालकर। तो हमने इसके अंदर ये बटन डाल दिया है,
तो अब हम इसे पैक कर सकते हैं। तो डिस्प्ले तो हमने पहले ही चिपका दिया था, सिर्फ बटन के लिए रुके थे, बटन भी हमने डाल दिया है। अब ये थोड़ा सा इसमें जो धूल है इसे साफ कर लेंगे। और इसे समतल जगह पर रखेंगे, नीचे सब साफ सुख कर। अगर नीचे कुछ रहा तो हम इसे जब इसे बैक पैनल लगाने के लिए प्रेशर देंगे तो डिस्प्ले टूट सकता है। तो ध्यान रहे डिस्प्ले के नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, तो बैक पैनल रख के इसे ऐसे दबाना है। इसमें डिस्प्ले टूटने के चांसेस नहीं होते हैं क्योंकि नीचे एकदम समतल जगह है। अब हर जगह से हम देख लेंगे कि बराबर पैनल लग गया है ना। हाँ, ये प्रोटेक्टर बनने हम हटा सकते हैं, सेंटर में डालना। ये देखिए ये एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है और इसका फिटिंग भी एकदम बढ़िया तरीके से हो गया है। अब इसे हम मैं प्रेशर देना पड़ेगा डिस्प्ले पे पैक होने के लिए इसे, और कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा। ये इसका ग्लू जो है वो अच्छे से सूख जाना चाहिए, तो 8-10 घंटों के लिए हमें इसे पैक करके छोड़ना है। तो इसे पैक करने के लिए हम दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, एक तो रबर का और दूसरा इस एक टेप का। तो हम रबर का यूज़ करेंगे। ये हमने इसे रबर से पैक कर लिया है। अब ये कुछ घंटों के अंदर सेट हो जाएगा और ग्लू एकदम टाइट हो जाएगा और ये एकदम बढ़िया फिटिंग आ चुकी है और हमारा डिस्प्ले भी वर्किंग है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी मदद मिली हो मोबाइल रिपेयरिंग के मामले में, तो प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।